हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो बताइएगा ज़रूर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं नींबू का मीठा अचार। तो इसके लिए हमने नींबू को काट कर ले लिया है। अब हम इसमें नमक डालकर उसको मिक्स करके एक जार में रख देंगे। एक हफ्ते के लिए धूप भी लगाएंगे जिससे हमारा नींबू बिल्कुल गल जाए। उसके बाद हम इसका मीठा खट्टा मीठा अचार बनाएंगे। एक हफ्ते तक धूप में गलाने से अचार बनाने के बाद अचार बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। अगर हम डायरेक्ट बनाएंगे तो वो बिल्कुल कड़वा हो जाता है जिसे हम खा भी नहीं सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने नमक को मिक्स कर लिया है। अब हम नींबू को एक डिब्बे में भर कर रख देंगे और इसको एक हफ्ते तक अच्छे से धूप में दिखाएंगे जिससे हमारा नींबू गल जाए और अचार बनाने के लिए रेडी हो जाइए। देखिए फ्रेंड्स, हमारा नींबू बिल्कुल गल चुका है और देखिए इसका कलर भी चेंज हो चुका है। अब हम इसका अचार बनाएंगे। इसके लिए हमने कढ़ाई में ऑयल ले लिया है। अब गरम करेंगे, इसमें सौंफ, मेथी, अजवाइन डालेंगे तड़के में और एक मिर्च भी डाल देंगे। मुझे ज़्यादा तीखा नहीं करना इसलिए एक ही मिर्च लिया है। अब हम इसमें गुड़ डालेंगे। गुड़ और चीनी दोनों हमें आधा आधा मिक्स करेंगे और गुड़ और चीनी को हमें नींबू से डबल लेना है, नहीं तो खट्टा खट्टा सा होता है। ये देखिए, हमने गुड़ और चीनी दोनों को मिक्स कर दिया है। अब हम इसको अच्छे से गलने तक पकाएंगे और काफ़ी ठीक होने तक हमें इसको पकाना है, क्योंकि हमें इसे स्टोर करके रखना है। अगर हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे तो ये ख़राब होने लगता है। ये देखिए फ्रेंड्स, गुड़ और चीनी पिघल चुके हैं। अब हमको इसको अच्छे से पकाना भी है, सिर्फ पिघलने तक नहीं पकाना है, इसको बिल्कुल ठीक होने तक पकाना है। अब हम इसको काफ़ी देर तक अभी उबालेंगे। उबलने तक हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। हमको इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, नहीं तो कढ़ाई में गुड़ है इसलिए जल भी सकता है। ये देखिए, हमारे नींबू में उबाल आने लगे हैं। अब हमको इसको पका के अच्छे से पका लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नींबू का अचार रेडी हो गया है। अब हम इसको गैस ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको एक जार में भरकर स्टोर कर लेंगे। अब हमें इसे धूप दिखाने की भी ज़रूरत नहीं है। अचार बनकर रेडी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।